हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप सो ऑल आर गुड. यस्टरडे आई कम्प्लीटेड द टॉपिक ऑन लॉन्ग लॉन्ग ओ इज रिप्रेजेंटेड बाय अ हैवी डैश एंड टुडे विल स्टार्ट द टॉपिक शॉर्ट ओ इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइट डैश. आज हम शॉर्ट ओ पढ़ेंगे. एग्जाम्पल के मैं आपको समझाऊंगी किस तरह से लिख सकते हैं. लॉन्ग ओ इज रिप्रेजेंटेड बाई अ लाइट डैश मतलब नॉट का मतलब डैश का वो लगेगा इसमें. ओके, देखिए जैसे टॉप टी ओ पी टी ओ का वो वाला है तो इसमें ओ का वो लगेगा. इन सब में ये लाइट डैश लगेगा, लाइट डॉट लगेगी. ओके, इसमें डार्क दिख रहा होगा बट इसमें लाइट लगेगी. मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि इस मार्कर से थोड़ा डार्क दिखता है, लाइट हो नहीं पाता, इसलिए आप अपने मैं आपको समझा रही हूँ, आप नोट कर लीजिएगा कि लाइट लगेगा इसमें. ऐसे ही ओड में ऑफ पहले वोवल है तो यहाँ पे ये फर्स्ट प्लेस वोवल है तो यहाँ डी से पहले वोवल लगेगा. पहले वोवल फिर डी लिख के इसके बाद वोवल लगेगा. यहाँ पे आगे से पहले वोवल है. डॉल में डी और डबल एल, डी के बाद वोवल लगेगा. डी और एल के बाद वोवल लगेगा लाइट डैश. डॉग में डी और जी, डॉग में ओ का वोवल है तो लाइट डैश. जॉब वैसे ही जॉब है. जे और बी, जॉब में ओ का वोवल लगेगा लाइट डैश. ऑफ में ओ, डबल एफ में एफ और ओ का वोवल लगेगा लाइट डैश. शॉक में एच ए शो और के, शॉक में ओ का वोवल है लाइट डैश. वैसे ही शॉप में एस एच ओ पी, शॉप में ओ का वोवल है लाइट डैश. गॉड में जी और टी, गॉड के बाद जी के बाद ओ का वोवल है लाइट डैश. लॉज में एल और जी, एल और डी, लॉज में ओ का वोवल है लाइट डैश. लॉक में एल और के, लॉन्ग में ओगा ओवल है लाइट डैश. लॉन्ग में एल ओ एन जी, लॉन्ग में ओगा एल के बाद ओवल है तो एल के बाद डैश लगेगा, लाइट डैश. नॉक में एन और के, नॉक में एन के बाद ओगा ओवल है तो एन के बाद लाइट डैश लगेगा, ओवल लगेगा. वॉच में डब्ल्यू और जे, वॉच में ए का ओवल है तो इसमें डैश लगेगा. एक वोवल में डार्क डैश होता है. उसके बाद वॉच में वो डब्ल्यू और एस एच, वॉश. W और S H, वॉश. यहाँ वॉच में W और S H, श्योर. वॉच में A का वोवल है तो लाइट डैश. ओके, इसके बाद हम करेंगे शॉर्ट फॉर्म्स. शॉर्ट फॉर्म में क्या है, फॉर हम ऐसे लिखेंगे. फॉर ए और एन की एक ही आउटलाइन होगी. ए भी ऐसे लिखा जाएगा और एन भी ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है? ये मैंने जान के डार्क बनाया ताकि आपको नज़र आ सके. इतनी डार्क नहीं बननी, ये बस ऐसे ऐसे बनेगी एक ही बार, ए या फिर एन, ठीक है? ऑन स्ट्रेट होएगी. ये मैंने बड़ी बना दी बट छोटी बनेगी. हेड भी बड़ा बनाया मैंने आपके लिए, ये भी थोड़ा छोटा बनेगा ताकि आपको नज़र आ सके, क्लियर नज़र आ सके कि मैंने एक्चुअली लिखा क्या है, ठीक है? फॉर ए और एन की डॉट लगेगी. ऑफ में ऐसे लिखेंगे. ऑन में स्ट्रेट होएगा. हेड में स्ट्रेट होएगा. उसके बाद है फ्रेजेस. अब हम फ्रेजेस पढ़ेंगे. ये वाले फ्रेजेस में ऑन द,
और बट द, ऑन द कैसे करेंगे, ऑन द, ऑन ऐसे लिखते हैं, और ऐसे लिखेंगे टेढ़ा टेढ़ा करके उसके ऊपर द आ जाएगा, बट कैसे लिखे, बट स्ट्रेट करके उसके ऊपर द आ जाएगा, ऑन द और बट द, ऑन टेढ़ा करके उसके साथ में द लेंगे, अब बट जाएगा द, और बट द में स्ट्रेट स्ट्रेट लिखा जाएगा बट, और उसके बाद अब बट जाएगा द। ओके क्लियर है सबको? आज हम फ्रेजेस कंप्लीट करते हैं, कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। इसकी दो एक्सरसाइजेज है, 7, 8 एंड 9, तीन एक्सरसाइजेज है। ओके तो ये हम थोड़ी थोड़ी करके करेंगे डेली, ठीक है? आज हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं शॉर्ट फॉर्म तक। प्लीज़ प्रैक्टिस करना गाइस, मैं आप बार बार यही बोल रही हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ओके अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।